हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जी हाँ, आज हम लोग डार्क फेट टर्मिनेटर डायमंड पैक की ओपनिंग करने जा रहे हैं। और हाँ यार, मैं जानता हूँ मैं 10 पैक खोलने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4000 सोल्स नहीं हुआ है अभी। और कल एक्चुअली मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से सोल्स कलेक्ट नहीं कर पाया था मैं। तो वहाँ पर जो टाइम का लॉस हुआ उसके वजह से आज अभी मेरा जो सोल्स है वो 3800 पे अटक गया। तो अभी मुझे 4000 को करने में आई थिंक 6 to 8 hours लग जाएंगे। आई थिंक यस, 6 hours तो लग ही जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पास सोल्स और कलेक्ट करने के कोई और जो है सोर्स नहीं है। बिकॉज मैं चैलेंज नहीं खेल सकता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी तानिया करेक्टर, सॉरी किटाना करेक्टर। तो मेरे पास कोई किटाना नहीं है, जिसकी वजह से मैं चैलेंज नहीं खेल सकता। तो अभी तो 3800 है, तो हम लोग 9 packs खोलेंगे। तो 9 packs हम लोग खोलेंगे, और अगर यार देखो मिलना होगा डायमंड करेक्टर तो 9 packs में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी चैनल के साथ जुड़ सके। और अगर कुछ सजेशन या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो यार अगर देखते हैं यार, अगर एक भी मिल जाएगा डायमंड करेक्टर तो मैं ये कहूँगा कि ये पैक मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस एवरेज है। अगर 2 से ज़्यादा मिल गया करेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, अगर 2 से ज़्यादा यानी 3 मिल गया तो ये पैक बेस्ट है। अगर 2 मिला तो गुड है, 1 मिला तो मॉडरेट है, और 1 भी नहीं मिला तो बैड है। तो जिसकी चांसेस ज़्यादा है मुझे लग रहा है ना मिलने के या 1 मिलने के, तो मॉडरेट या बैड में हो सकता है चांसेस पैक के। तो यार तो बिना किसी देरी के तो आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है यार। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार एक काम ये करेंगे हम लोग कि यार पैक खोलेंगे कैसे, जैसे हम खोलते आए हैं तो थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ जो है पैक की ओपनिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग म्यूज़िक के साथ पैक की ओपनिंग करेंगे। और पैक ओपन करने के बाद, जब सारी पैक ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिला क्या नहीं मिला और क्या मिलना चाहिए था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं पैक ओपनिंग। तो 1 2 3 स्टार्ट।
आप लोगों ने देखा क्या कहते हैं, ये पैक मॉडरेट था। मुझे एक डायमंड कैरेक्टर मिला, क्लासिक गोरो। और यार मुझे लिटरली बताऊँ तो टर्मिनेटर चाहिए था, मुझे डार्क फेट टर्मिनेटर चाहिए था। पर कोई बात नहीं, एक एक डायमंड भी मिलना बड़ी बात थी। हो सकता था कि मैं 10 पैक खोलता तो शायद 10वें पैक में मुझे डायमंड मिल सकता था। पर यार ये सारी बातें जो है, अब खैर उस पर क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, जब नहीं है 10 पैक खोलने का, नहीं था तो नहीं खोले, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से ठीक था यार, और इससे क्या ही उम्मीद कर सकते थे। एक डायमंड भी मिला तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, तो सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, आपके हिसाब से ये पैक कैसा था, सही था, ख़राब था, मॉडरेट था, गुड था, बेस्ट था, तो आप बता सकते हैं। और अगर आपने भी इस पैक की ओपनिंग की है किसी ने, तो वो भी आप मुझे अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस पैक के साथ। और बाकी यार मैं अब जो इस अकाउंट में, क्योंकि अब अकाउंट में आप देख सकते हैं 224 सोल्स हैं, तो मैं अब इस अकाउंट में फिर से सोल्स कलेक्ट करूँगा। और मुझे लगता है थैंक्स गिविंग जो 26 नवंबर पे है, 26 नवंबर, क्योंकि अभी जो हेलोइन पे तो इसको मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा 1000 to 1200 सोल्स कलेक्ट होंगे। तो थैंक्स गिविंग जो 26 नवंबर पे है, तो उसमें भी ऑफ़र आएगा थैंक्स गिविंग पर। तो मैं अब थैंक्स गिविंग तक इस पर सोल्स कलेक्ट करूँगा, और उसके बाद उसकी पैक की ओपनिंग करूँगा। तो देखता हूँ फिर क्या होता है थैंक्स गिविंग पे, तो अब इसको थैंक्स गिविंग पे ही खोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी शेयर हो, कुछ करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो बेहिचक कर सकते हैं। और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।